जितना पढ़ सकता था, जितना देख सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती थी उतना किया, उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे मतलब। और जैसे सर का छोटी छोटी डिटेलिंग सर आके बताते थे हमें, और मेहनत ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मुझे इसी पिक्चर में करनी पड़ी, मैंने और किसी फिल्म में तो की नहीं इतनी मेहनत, मतलब की लेकिन इसमें वाकई मुझे एक्सट्रीमली उस पर जाने की कोशिश की मैंने कि कितनी कर सकते हैं मेहनत। और करते हुए नो डाउट नर्वसनेस भी रहती थी हमेशा, है ना, और लेकिन एक चैलेंज था तो चैलेंज करने में मज़ा भी आता है एक्टर को। बट द थिंग इज़ कि मेरे जो डायरेक्टर हैं वो थोड़ा बहुत ही सपोर्टिव हैं, उसका उनका जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आपको कहीं का कहीं एक एक्टर के क्या होता है ना, एक छोटे से कॉन्फिडेंस पे एक्टर कहीं का कहीं जा सकता है, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते एक ऐसी जगह पे जा सकता है एक एक्टर, अगर उसको आप कॉन्फिडेंस दें तो। तो ये चीज़ें थी, डिफ़िकल्ट थी प्रोसेस बहुत, बट चूँकि सपोर्ट था सर का, मेरे डायरेक्टर का, तो उसकी वजह से चीज़ें पॉसिबल हो पाई। मुझे यकीन नहीं हुआ था एक्चुअली, मुझे लगा था शायद सर ने बुलाया मुझे, ऐसी बातें हुई हमारी, कोई ख़ास उसके ऊपर बातें नहीं हुई थी, ऐसे चाय पानी पी और बैठे रहे, होटल में थे हम लोग सब। तो सर ने कहा कि बाड़ा साहब ठाकरे का रोल करना है, तो अंदर से तो मैं दिखा नहीं सकता था खुशी कितनी हो रही, बट मैं बहुत ही डिसिप्लिन में ऐसे बैठा, ओके सर ओके। बट बाहर जैसे हम होटल से जब मीटिंग करके जब बाहर गए, तो मैं और मेरा भाई, हम लोग अनूप, हम तीन चार लोग थे, तो बस ऐसे हुआ यस। निभाते हुए तो देखो बहुत सारे वो होते हैं ना, चैलेंजेस होते हैं, नर्वसनेस भी होती है कि अभी सीन करना है, तो वो सारी प्रोसेस, वो सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, तो मज़ा तो नहीं आता, ये नहीं कह सकते कि बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ, नर्वसनेस होती है ज़्यादा एक्चुअली, फील होता है लाइक जैसे आजकल मैं जब घर जाता हूँ तो वाइफ को बोल देता है ए साइड सीधा ही जाता है। तो बाड़ा साहब का इतना असर मेरे पे आ गया, मैं अभी थोड़ा सा मैं अभी डरता नहीं हूँ। बाला साहब का एक लाइन में तो खैर बहुत डिफिकल्ट है, बट बाला साहब का पर्सनैलिटी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी थी, जो बाहर थे वही अंदर थे, ये ऑनेस्टी उनकी पर्सनैलिटी में थी एक्चुअली। एक लाइन में हम बहुत महीने से साथ बैठे हैं और बहुत साल से मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे साथ बैठे हैं एज ए ठाकरे, वो कि एक दो महीने की प्रोसेस नहीं है, वो हमारे दिल में पहले से है। और कोई ठाकरे रोल कर सकता है तो नवाज भाई। मैं आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्टर साहब है, बोलो निकल गए जो हमारे जो अभिजीत पानसी डायरेक्टर साहब है ना, तो हम लोग तो ढूंढते रहते थे ये कैसा दिखता है, ये लेके आते थे स्केच बनाकर कंप्यूटर पे, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये ठीक है, फिर बात करते थे। एक दिन अचानक मैंने उनको फ़ोन किया, उनको मिलने के बाद, भाई अब अभी ये ढूंढना बंद करो रिसर्च, बाला साहब ठाकरे मिल गए हमें, कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन उनको बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरी कल मुलाकात हो गया और वो ही ठाकरे है और कोई नहीं। ये जब बोल रहे थे ना होटल में मिले और चले गए, उसी वक्त तो लॉक हो गए थे। बाद में मैंने उनको पूछा था आपके भाई साहब से, अनूप से, अरे यार उनकी वो डेट्स का प्रॉब्लम है सब, वो कैसा चलेगा हमारा, तो लेकिन मैसेज आया हमने तो डेट की चिंता मत करो। सारा डेट वो उनका पूरा शेड्यूल उनका ऊपर नीचे कर दिया और एक टीम अच्छी बन गई। अभिजीत है नवाज भाई, पूरी टीम जो आप देख रहे हैं एक फैमिली की तरह, बाला साहब ने सबको एक फैमिली की तरह पाला है, सबको देखा नहीं कि ये कौन है ये कौन है ये कौन है, बाला साहब का एक परिवार रहा हमेशा, उस परिवार में पूरा देश रहा, महाराष्ट्र रहा, सभी जाति धर्मों के लोग रहे, इसी तरह से ये ठाकरे का यूनिट एक परिवार रहा हमेशा। हाँ, तो मुझे लगता है जो शेड्यूल बना था, जो डायरेक्टर साहब ने जो शेड्यूल बना था हमारे, उस तरह से पूरा शेड्यूल हो गया। अब नवाज भाई फ्री नहीं हुए हैं, काम चलता रहेगा। Thank you.
अरे फाउंडेशन डे के बारे में 52 साल हो गए, बाला साहब जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने पार्टी बनाई एक, उस वक्त लोग बोलते थे कि जो शिवसेना बनाई है बाला साहब ने, ये चार पाँच महीने में ख़त्म हो जाएगा सब मामला, 4-5 महीने में, और ये मुंबई के बाहर उनको नहीं कोई पूछेगा। अब देखो शिवसेना कहाँ है, दिल्ली तक पहुंच गई है। एक आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है लोगों में जगाने का काम इस देश में अगर किसने किया होगा वो दो लोगों ने किया, महात्मा मोहनदास गांधी और दूसरे बाला साहब ठाकरे। दो लोगों ने हमेशा देश के जनता में एक कॉन्फिडेंस दिया है कि हम लड़ सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, और सामान्य आदमी को उसने शूर बनाया। बाला साहब का वैशिष्ट्य क्या रहा, सामान्य आदमी जो है कॉमन मैन को उसने शूर बनाया, वीर बनाया कॉमन मैन को, और वो कॉमन मैन को बोला आपको लड़ना है, आपको कोई हाथ नहीं लगेगा, मैं हूँ। लोगों को आखिर तक लगता था कुछ होगा, अरे मातोश्री में बाला साहब बैठे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का नाम है बाला साहब ठाकरे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाला साहब के साथ कई साल में मैंने काम किया था, तो मैंने देखा है। लेकिन मैंने जब भी देखा था तभी मुझे मेरे एक प्यारे से ग्रैंडफादर के रूप में ही बाला साहब हमेशा मिलते थे। मैं 7-8 साल पॉलिटिकल काम करते वक्त जितना मैंने उनको उनके बारे में पढ़ा या उनको देखा, उससे कई ज़्यादा बाला साहब मुझे फिल्म करने के बाद समझे, ये तो वर्ड मैंने बोल सकता हूँ, बट रियली आफ्टर डूइंग दिस फिल्म और स्क्रीन प्ले या उनका हिस्ट्री, तो बाला साहब जितने मैंने देखे उससे कई बहुत बड़े बाला साहब है। बाला साहब ने कॉमन मैन को सुपरमैन बनाया, बाला साहब ने कॉमन मैन को सुपरमैन बनाया। पावर, पावर सिर्फ जो कुर्सी पे बैठा उसके पास नहीं है, पावर कॉमन मैन के पास है, वो सुपरमैन है।